आज हम हमारा हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है भाषा, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और समझना है, ठीक है जी। देखिए पिक्चर में आपको दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक का नाम राहुल है, दूसरा माही है, ठीक है। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम राहुल है। मेरा नाम माही है। तुम कहाँ रहते हो। मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। चलो आज खूब मजा आएगा। आपने राहुल और माही की बातचीत पढ़ी और ध्यान दिया कि वे एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। हमारे जीवन में बोलना बहुत जरूरी है। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे पास भाषा भी नहीं होती, और भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता। जैसे आप देखिए इस पिक्चर में छोटा बच्चा है, उसकी जो बोल रहा है उसकी मदर को नहीं समझ आ रहा वो क्या बोल रहा है, ठीक है। अब ये लड़की है, वो पंछी से बात कर रही है। अब हम इंसान है, हम पंछियों की भाषा नहीं समझते, ठीक है। ध्यान दिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, इसलिए अपनी माँ को समझ नहीं पा रहा। इसी तरह चिड़िया भी बोल नहीं पा रही और रूपा चिड़िया की चींची को नहीं समझ पा रही। इसका मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते। हम भाषा की मदद से ही अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, इसलिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा। अब ये आप सबको पता है कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। हिंदी